नमस्कार दोस्तों, आपका जेटिंग में स्वागत है। इस वीडियो में बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने सभी एप्स को कुछ इस तरीके में बदल करके यूज कर सकते हैं, कुछ एडवांस तरीके में बदल करके यूज कर सकते हैं। आप अगर लेफ्ट में यूज करना हो तो लेफ्ट में यूज कर सकते हैं, राइट में यूज करना हो तो राइट में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके में बदल करके यूज करेंगे तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा, साथ ही साथ आपका फोन जो है एक खूबसूरत स्मार्टफोन बदल जाएगा। अगर आप भी कुछ इस तरीके में बदल करके यूज करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को वॉल पर जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों अब मैं चलता अपने फोन के होम स्क्रीन पे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों मैं फोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे एरो का आइकन दिखाई दे, एरो पर क्लिक कर दीजिए, फिर एरो पर क्लिक कर दीजिए, एरो पर क्लिक कर दीजिए, फिर एरो पर क्लिक कर दीजिए, फिर एरो पर क्लिक कर दीजिए। एरो पर क्लिक कर देने के बाद अगेन एरो पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद ग्राउंड दिखाई दे, ग्राउंड पर क्लिक कर लीजिए। ग्राउंड पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर दिखाई दे डिस्प्ले ओवर अदर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले उस एप्लीकेशन खोज लीजिए, वो एप्लीकेशन कहाँ है उसके बाद टिक कर लीजिए। टिक कर लेने के बाद अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर्स का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पे क्लिक करके एनेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिक कर लीजिए। टिक कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे थ्री डॉट दिखाई दे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे अनेबल सर्विस ऑन बूट यहाँ आप देख सकते हो चुका है। यहाँ पे दिखाई दे ट्रिगर ऑप्शन दिखाई, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अगर इसे शो कराना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इसे हटा सकते हैं। देखिए हटा देंगे तो हट जाएगा, लगा देंगे तो लग जाएगा। यहाँ दिया ट्रिगर साइड, यहाँ पे ट्रिगर साइड मतलब किस साइड चाहते हो, लेफ्ट में राइट में, मैं राइट में ही रखता हूँ। यहाँ दिया ट्रिगर एरिया कलर, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जिस तरीके का चाहते उस तरीके से कर लीजिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी चाहते ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। यहाँ से कर लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे आपको यहाँ पे टिगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते चेंज कुछ इस तरीके से करना करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हटाना होगा तो यहीं से आप हटा देंगे, लगाना हो तो यहीं से आप लगा देंगे। इस तरीके से कर लेने के बाद यहाँ पे आप बैक हो जाइए। यहाँ पे कुछ एड्स आ रहे हैं, इन एड्स को देखना हो देखिए, नहीं थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर देने के बाद यहाँ एडवांस सेटिंग्स, अगर आप एडवांस सेटिंग से कुछ करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइए। यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइए, आ गए अपने होम स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे ऐप्स, अगर आप चाहते हो इस तरीके का चाहते हो, यहाँ पे अगर इस तरीके का आप चाहते हो, यहाँ देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देख सकते जो कि देखने पर अमेजिंग नया लुक में लग रहा है। जैसे यूट्यूब खोलना इस तरीके से यूट्यूब खोल लेंगे, जीमेल खोलना इस तरीके से खोल लेंगे, क्रोम खोलना इस तरीके से खोल लेंगे, जो कि देखने बहुत खूबसूरत लग रहा है और इस तरीके से यूज करेंगे आपको भी अट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो तो ठीक है, नहीं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट के जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।